देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड छुपा। विकास की योजनाएं का पूरा कर है छत्रसाल का नमन करके वीरेंद्र कुमार बोले जल समस्या का हल कर है। जी हां, बात करें छतरपुर के जन प्रतिनिधियों के समन्वय से विकास की योजनाएं का पूरा कर है केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जन आशीर्वाद यात्रा लेके छतरपुर पहुंचे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने छत्रसाल चौराहा पे रात का जनसभा को संबोधित करो है। इस दौरान उन्होंने कही है कि जन समस्याओं का हल करने के लाने वे संगठन के कार्यकर्ता का जिम्मेदारी दे है। उन्होंने कही है कि छतरपुर और बुंदेलखंड के विकास के लाने जन प्रतिनिधियों के संगे समन्वय बना के प्रस्ताव का तैयार करो जाए, साथ ही उन्हें समय सीमा में पूरा कराओ जाए। डॉक्टर वीरेंद्र खजीक ने कही है कि आजादी की 100वीं वर्षगांठ यानी 2047 तक भारत देश संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश का आत्मनिर्भर बनावे के लाने जो योजना प्रारंभ करी गई है उसे विकास के संगे संगे रोजगार के अवसर भी पैदा हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क परिवहन और स्वच्छता के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू करी गई हैं। योजनाओं के माध्यम से हमारे देश की महिलाओं के संगे संगे पुरुष भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्हें कही है कि छतरपुर जिला के संगे संगे संपूर्ण बुंदेलखंड को विकास सभी जनप्रतिनिधि के आपसी समन्वय के संगे करो जाए। हर वर्ग की विरोधी है कांग्रेस। पहली केंद्र सरकार में ओबीसी के 27 सांसद, एएससी के 12 सांसद, एसटी के 8 और 11 महिला सांसदन का मंत्री बनाओ गो है। विपक्ष ने संसदीय परंपरा को अपमान करत भाई नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं होन दो। विपक्ष नहीं चाहतो कि एससी एसटी और ओबीसी के जो सांसद मंत्री बने हैं उन्हें देश जान सके। इससे जो स्पष्ट होते है कि कांग्रेस प्रत्येक वर्ग की विरोधी है और इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लो कि सभी मंत्री जनता के बीच जाए और जनता को आशीर्वाद ले। जन आशीर्वाद यात्रा में पार्टी के प्रदेश महामंत्री, यात्रा प्रभारी रणवीर सिंह रावत, सह प्रभारी महेंद्र सिंह यादव, जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, विधायक राजेश प्रजापति, प्रद्युम्न सिंह लोधी, पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष करुणेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना गुड्डू सिंह, ललिता यादव आदि जने मौजूद रहे। उधर बात करें पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की तो उनने भी कहा कही है कि विकास में मिल है मदद। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कही है कि सांसद वीरेंद्र कुमार के मोदी कैबिनेट में शामिल होने से क्षेत्र का बहुत लाभ मिले। सागर कानपुर फोर लेन रेलवे लाइन को विद्युतीकरण, खजुराहो एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग एकेडमी जैसे प्रस्तावित प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो सके। केन बेतवा लिंक परियोजना को काम शुरू करावे की भी योजना है। तो ऐसे के जो खास खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड पर, शिवानी तिवारी के साथ।